माय नेम इज पार्थ चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वेंचर। तो आज की इस ब्लॉग में हम रिव्यू करेंगे हमारी गोल्ड बुलेट जो कि 350 इंजन से आती है। तो बढ़ते इसके इंजन के ऊपर। सो इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 18 bhp का पावर और 26 का टॉर्क। और इसको खासियत बनाता है इसके थम्स। ये ओल्ड बुलेट जानी जाती है इसके थम्स की वजह से। थम्स यानी देसी वर्ड्स में हम बोल सकते हैं डुक 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 की आवाज़, यही तो इसको खास बनाती है। इसके ब्रेक और गियर के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, अभी बढ़ते हैं रेयर टायर के ऊपर। इसका रेयर ब्रेक्स है ड्रम ब्रेक्स जो कि पहले के ज़माने में आते थे, अभी के तो बुलेट में डिस्क ब्रेक आते हैं दोनों तरफ। ये है इसका बैटरी, ये है अपनी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग और ये है कुछ सामने का व्यू। फ्रंट व्हील पे आते हैं हम लोग, इसमें भी सब सेम ड्रम ब्रेक्स है, उस साइड से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है उसके ड्रम ब्रेक्स जो कि एक यूनिक तरीके से आते हैं। ऐसा कुछ इंजन का शेप है, गियर लीवर है देख सकते हो, किक देख सकते हो। और एक ये है एक यूनिक फीचर है, इस पर आप कौन से भी गियर में डालो ये एक बार मारने से न्यूट्रल हो जाता है गाड़ी। ये देख सकते हो एग्जॉस्ट मैंने चेंज कराया नहीं है, पर इसको ऊपर एक कोटिंग लगवाया है और ब्लैक कलर में। सो ये कुछ ऐसा था, फर्स्ट पूरा ब्लैक था। सो ये कुछ इसका इश्यू हो गया था इसलिए रिप्लेस करवाया बैंड पाइप का। सो ऐसा कुछ सीन है। 350 बुलेट रॉयल एनफील्ड CI इंजन के साथ ये बुलेट आती है। और एक बात इसे खासियत बनाती है इस गाड़ी को, ओल्ड बुलेट को, इसके गियर लीवर्स राइट साइड में है और ब्रेक लीवर्स लेफ्ट साइड में है जैसे कि आप देख सकते हो सामने। और अभी न्यू बुलेट्स में ऐसा कुछ सीन नहीं रहता है, अभी फुल चेंज हुआ है गाड़ी। सो ऐसा कुछ सीन है। और इसको चलाते हैं, अभी चला के देखते हैं, साउंड नोट सुनाता हूँ मैं आपको। इसको चालू करने का भी एक टैक्ट है, एक आर्ट है। और एक बात बतानी थी आपसे, ये ओल्ड बुलेट जो कि है वो 1981 की मॉडल है, 1981। और आप सोच सकते हो 1981 से अभी तक चल रही है ये गाड़ी, मतलब कितना पावर है इसमें। 40 ईयर्स हो गए हैं। और हमें लेके नहीं, हम लिए थे 2015 में इसको सेकेंड हैंड और रिन्यू करके लिया था। सो अभी तक ये हमारे पास है, अच्छी है बहुत गाड़ी, फुल्ली मेटल बॉडी है। सो अभी इसकी साउंड नोट सुनते हैं कैसे है साउंड, कैसे मारती है। तो ये है इसका कुछ सामने का मेन और ये इसकी की, चालू करेंगे इसको की को। और ये है किल स्विच को चालू करेंगे। किल स्विच को चालू करने के बाद ये अपना आता है एमीटर। एमीटर जो है अभी ये नेगेटिव में है, नेगेटिव का इसका मतलब है अपना पिस्टन जो नीचे है तो उसको ऊपर लाने के लिए हमें डी कंप्रेसर करके एक प्रेस करना मांगता है इधर, फिर उसको प्रेस करके हम पिस्टन को ऊपर लाके, ये जैसे कि आप देख सकते हो अभी पिस्टन ऊपर आया, मतलब ये एमीटर का नीडल अंदर आया, मिडल में आया। फिर अभी एक किक मारने के बाद अपनी गाड़ी शुरू होती है। सिर्फ किक मार के दिखाता हूँ मैं आपको, अभी मैं किक मारूंगा आपको दिखाऊंगा इसकी साउंड नोट कैसी है। ओ भाई इसका साउंड नोट सुन सकते हो क्या आप, एक नंबर भाई, थम्स देख रहे हो क्या, थम्स एक नंबर थम्स। ये इसकी साइलेंसर है आप देख सकते हो, एक नंबर थम्स है। ये आइडलिंग पोजीशन में है, एक नंबर भाई, साउंड एक नंबर है। सो एमीटर की बात मैं कर रहा था, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। अभी मैं रेस करने के बाद ये प्लस में जाता है, प्लस का मतलब ये है कि ये बैटरी चार्ज करता है और पोजीशन जिकाता है। और इसके एक टेस्ट राइड जाके लेंगे हम, देखेंगे क्या इसकी पावर है, पावर देखेंगे इसकी। अब देख सकते हो एक नंबर भाई गाड़ी, एक नंबर। भाई पावर का एक नंबर है भाई, आप साउंड देख सकते हो क्या एक नंबर साउंड है। एक नंबर भाई साउंड, रॉयल एनफील्ड, ये CI इंजन। You can download us.
में चलते हुए हमारी गाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं इधर, मतलब एक कॉलेज रोड बोल सकते हो आप। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। और ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये था कि मेरे ओल्ड बुलेट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, और फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत से ब्लॉग आएंगे, मोटर ब्लॉग भी होगा इस चैनल पे, और आप देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप राइडिंग एंड बी फिट।